सुबह दोस्तों, भाई जी आप सुबह सुबह 8 बजे और यहाँ फुटपाथ पर आकर के आपने ये जो आम की जो आप देख रहे हो भाई, ये आम की छाबड़ी लेकर के ताई आ गई है। तो ऐसी क्या परिस्थिति ताई, पहले तो नाम बताता है, क्या नाम आपका? विद्या देवी। ताई का नाम विद्या देवी है भाई। तो ताई इसी के बात हो रही है कि आपने नाम विद्या? अच्छा विद्या, कोई बात नहीं ताई जी, विद्या नाम है। तो ताई इसी के बात हो रही है कि आपने इस उम्र में, कितनी उम्र होगी आपकी? बेटा फिर भी 60 साल 70 साल की में तो उम्र का भी ताई के पास में। तो ये एक भाई साहब भी आए हैं आम खरीदने खातिर सुबह सुबह, बड़ी अच्छी शुरुआत अभी मानेंगे। देखिएगा था, मैं चश्मा बनवाना था दुकान भाई बंद हमारे ताई बाम ले लें बोले। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, इस प्रकार से जब आप इशारा लगावेंगे तो अपना काम चाल ले सके अपने बुजुर्गों का भी है। बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम भाई साहब आपका? भाई साहब सतपाल नाम। सतपाल भाई भी सुबह सुबह ताई के पास में आए हैं आम खरीदने खातर। ताई की ताकड़ी भी देख लो भाई, पुराने जमाने वाली ताकड़ी है बिल्कुल। कष्ट कमाई की चीज नहीं है? हाँ बिल्कुल, मेहनत तक कमा की खान लाग रही है ताई, और आप देख सको हो। अब परिवार में क्या परिस्थिति है वो तो एक अलग बात है, वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये देख लो आप बिल्कुल जो पुरानी होया कर रही ताकड़ी वो ताकड़ी है। ताई बालक तो होंगे आप पे? तीन है ना, एक लड़का है। एक लड़का? अरे तीन लड़की। तीन लड़कियां हैं? अच्छा अच्छा, तो लड़कियां की तो शादी कर दी होगी राम जी से, इसमें तो कोई दौरा है को नहीं? इंदिरा गांधी बनी तो मेरा आदमी मरा था। यानी कि ताई जी नु कह है भाई विद्या, विद्या देवी, विद्या नाम है, विद्या नाम है। अच्छा अच्छा, देवी देवी नहीं, विद्या ताई नु कह है भाई। जिस टाइम पे अपने देश की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उनकी जिस टाइम पर डेथ हुई थी, उस टाइम पर इनके जो जीवन साथी होता है उसका भी साथ छूट गया था। तो उसके बाद में यानी कि 1984 ताई लगातार जीवन से संघर्ष कर रही है। बेटा भी है और तीन लड़कियां हैं, बेटे की भी शादी कर दी और लड़कियां की भी शादी कर दी। तो ताई जी इसी के बात हुई आखिर तने भी इस उम्र में भी आकर के ये काम करना पड़ने लग रहा है। दयानंद रोड पर गुजरिया था भाई एक्सीडेंट में, कुछ नहीं मिला, लेकिन इसकी किमें नहीं मिला ताई ने। जी जी, तो ताई ये बेटा है आपका पास में, तो बेटा किमें आपकी मदद नहीं करने लग रहा? मदद तो करे बेटा, फिर अच्छा बहू थोड़ी ही तेज आ रही है। यानी कि बेटा तो ठीक है, लेकिन वो जो बहू है उसने बता रहे हैं कि वो थोड़ी ही ठीक व्यवहारिक नहीं है। हाँ, जिसके कारण ताई ने इस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा जीवन ते। वैसे तो सारा जीवन नुका है ताई कि मेरा संघर्ष में गुजरे है, लेकिन ये भी इस उम्र में आके ना भी काम करना पड़ने लग रहा है, तो यह भी एक बड़ी बात अभी मानेंगे। ताई को ठगी का खा के राजी नहीं, जीवन से संघर्ष करके खाने लग रही, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं तो भाइयों तो यह कहूँगा कि भाई आप ही किसी बड़ी दुकान ते या और किसी मॉल तक खरीदने की बजाय जय आप ही इस प्रकार दें, आप ही अपने जो ये छोटे हैं जैसे ताई है, इस प्रकार से यदि आप ही इन तें खरीदा कोई भी सब्जी है फल है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा तो अपने लिए भाई आप है। ये यहाँ मैं बिल्कुल यानी कि एक ऐसी जगह है, ठीक से बैठने की जगह भी नहीं है, इस प्रकार से ये चिड़ियाघर रोड है। यदि आप इस तरफ ने देखा तो, और इस तरफ ने फिर ये आ गया पुराना बस स्टैंड की तरफ जाओ है, तो यहाँ पर ताई अपनी रेडी लगा करके, रेडी के कहेंगे अपनी एक छाबड़ी टोकरी लेकर के आवे है रोज़ाना सुबह। और यहाँ मौसम के अनुसार जैसे अब आम बिकने लाग रहे हैं, तो ताई आम लेकर के सुबह सुबह 8 बजे आ ली, और भगवान की दया से ताई की बिक्री भी आरंभ होली है। तो भाई और भी जो साथी हैं जो देखने वाले हैं वो भी यदि आप यहाँ से गुजरते हैं तो ताई जी से आम ज़रूर भी लेके जाइए भाई, बहुत मीठे आम ले रही है और एकदम तो बढ़िया, ताकि ताई का भी सारा लाग सके, इसका भी काम चल सके और आपने आम के आम भी मिल जाएँ।
तो सारे श्रोता भाइयों ने हमारा निवेदन है कि भाई इस वीडियो ने भी शेयर करियो, और यहाँ से यदि आप गुजरो तो ताई तो है आम भी ज़रूर लेके जाइयो भाई। सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।